मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के कुछ मामले उजागर होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिला चिकित्सालयों को अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत शाजापुर में मॉक ड्रिल करके डॉक्टरों द्वारा तैयारियों का जायजा लिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 28 मामलों की पुष्टि के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी चौकस हो गई है और सभी जिला मुख्यालय को परिस्थितियों से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर चुकी है, जिसका ट्रायल करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा मॉक ड्रिल करके चेक किया गया कि किस प्रकार पीड़ित का ट्रीटमेंट किया जाएगा। मॉक ड्रिल के लिए रेलवे स्टेशन को चुना गया, जहां कोटा इंदौर ट्रेन से एक संदिग्ध व्यक्ति को उतारा गया, जिसे प्राथमिक ट्रीटमेंट करके एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर ले जाया गया। वहीं CMHO डॉक्टर प्रकाश विष्णु ने बताया कि कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट फिलहाल नहीं मिल पाया है, मगर कुछ सावधानियां बरतकर इससे बचा जा सकता है। जिला चिकित्सालय शाजापुर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जो कि 12 बजे से प्रारंभ हुआ और 12:28 पर समाप्त हुआ। इसमें हमने ये व्यवस्था की थी कि पुलिस और प्रशासन के सहयोग से यदि कोई रोगी यहाँ पर रेलवे स्टेशन में रेलवे के माध्यम से आता है तो उसको हम एम्बुलेंस से उठाएंगे, पूरी सुरक्षा के साथ ट्रैफिक से उसको बचाते हुए उसको हमारे जिला अस्पताल में बने हुए कोरोना आइसोलेशन वार्ड तक लाएंगे और पूरी एहतियात के साथ स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, रोगी की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा, तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए उसको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज 12 बजे से प्रारंभ हुई, 12:28 पर समाप्त हुई। बता दें कि कोरोना वायरस चीन के बाद ईरान और अब निरंतर दूसरे देशों में भी तेजी से फैल रहा है। इसी को लेकर शाजापुर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, शाजापुर।